श्रीमद होम रेमेडीज में आपका स्वागत है और हम आपको बताएंगे कि रावण के वध के बाद रावण की पत्नी मंदोदरी ने क्या किया। देखिए, सोने की लंका की महारानी मंदोदरी रामायण का एक ऐसा पात्र है या एक ऐसी पात्र है जिन्हें कभी ठीक से नहीं जाना गया। उनकी पहचान हमेशा लंकापति रावण की पत्नी तक ही सीमित रही और रावण के मृत्यु के बाद उनका अध्याय भी जैसे समाप्त कर दिया गया। बहुत कम लोग जानते होंगे कि रावण के वध के बाद मंदोदरी के साथ क्या हुआ। दो चीजें बताई जाती हैं। रावण के वध के बाद मंदोदरी रणभूमि पर पहुंचती है। यहाँ पति पुत्र के साथ साथ अपनों के शव देखकर शोक में डूब जाती है। यहाँ श्री राम ने याद दिलाते हैं कि वे अब भी लंका की महारानी हैं और अत्यंत बलशाली रावण की विधवा हैं। इसके बाद मंदोदरी लंका वापस लौट जाती है। एक किंवदंती के अनुसार पति पुत्र के दुख में मंदोदरी खुद को महल में कैद कर लेती है। वे पूरी तरह से बाहरी दुनिया से संपर्क तोड़ लेती है। इस दौरान विभीषण लंका का राजपाट संभालते हैं। कई सालों बाद मंदोदरी फिर से अपने महल से बाहर निकलती है और विभीषण से विवाह करने के लिए तैयार हो जाती है। विवाह के बाद मंदोदरी ने विभीषण के साथ मिलकर लंका के साम्राज्य को सही दिशा में आगे बढ़ाया। एक चीज मैं आपको बता देता हूँ, मंदोदरी विभीषण विवाह की विदंतियों पर आधारित है। कुछ ग्रंथों में यह भी वर्णित है कि रावण के मृत्यु के पश्चात मंदोदरी रावण के शव के साथ सती हो गई थी। मंदोदरी पंच कन्याओं में से एक थी। अहल्या, द्रौपदी, तारा, कुंती, मंदोदरी। पंचकन्या अस्मेतन्यम महापात कनाशम। धन्यवाद। आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।